सूचित किया जाता है। जल्द से जल्द यहाँ से तितर बितर हो जाए, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वार्निंग के पार्टी कमांडर ने मजमे को वार्निंग दिया और तितर बितर होने के लिए कहा। एमएसएल मल्टी सेल लॉन्चर, शॉर्ट में एमएसएल बोलता है। पूरा नाम 38 mm मल्टी सेल लॉन्चर। जब मजमा भारी तादाद में हो जाता है, आ जाता है पुलिस, छह सेल एक साथ भर करके मजमे के ऊपर उतर सकते, तो इसको सेल की तादाद को बढ़ाने के लिए, मजमे को जो कंट्रोल करने के लिए जो है ये नया वर्जन का हथियार आया है, इसका नाम मल्टी सेल लॉन्चर। इसमें हम छह सेल भरते हैं, पहले इसको कॉक किया जाता है, उसके बाद में इसको घड़ी के उल्टे रुख में घुमाया जाता है, इसके बाद में इसमें सेल जो सेले डाल दिए जाते हैं। किसी हाईवे पे या किसी रोड के ऊपर मजमा आ रहा है सामने से, दोनों साइड से, तो आप दो प्लाटून को एडवांस करेंगे मजमे को रोकने के लिए और एक प्लाटून आपकी सपोर्ट में पीछे रहेगा, मीन्स वन डिप। नेक्स्ट दंगा नियंत्रण प्लाटून, दंगा नियंत्रण के लिए टू डिप। इसके बाद आती है टू डिप। टू डिप मतलब सेम, वन डिप का उल्टा। अगर आपके पास सिंगल रोड है, आपके सामने सिंगल रोड है या कोई गली सकरी गली है जिसमें से हम ज़्यादा चौड़ाई में नहीं जा सकते, तो हमारे दो टीमें जो है पीछे सपोर्ट में रहती हैं और एक टीम आगे एडवांस करती है और मजमे को वहीं उसको कंट्रोल करती है। इसमें ये है कि इसका मेन रोल कोऑर्डिनेशन है। आजकल लॉ एंड ऑर्डर जो कानून व्यवस्था की समस्या है वो काफ़ी बढ़ रही है डिफरेंट फॉर्म्स में, और हमें कई बार डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अलावा भी फोर्स को बुलाना पड़ता है, और उसी में एक CRPF की कंपनी बनी हुई है, रैपिड एक्शन फोर्स है, जो इमीजिएटली मोबिलाइज होती है। तो ये देखा गया था कि कई बार उनके रहने में समस्या आती है, उनको जोग्राफिकली एरिया नहीं पता होता, तो ये प्रोएक्टिवली एक इनिशिएटिव लिया गया है कि सभी जिला में ये पहले ही जा रहे हैं, लोकल SHO से मिल रहे हैं, जोग्राफिकली उस एरिया से फैमिलियराइज हो रहे हैं, और इनकी जो बहुत ही वेल ट्रेंड फॉर्मेशन होती हैं, भले वो एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन है, टी लाइन फॉर्मेशन है, एयरलाइन फॉर्मेशन है, फिर इनकी एक प्रोटोकॉल होती है कि पहले अनाउंसमेंट करेंगे या किस तरह से फोर्स यूज़ की जाएगी। एज ए से कि जितनी अच्छी हमारी तैयारी होगी तो हमें फोर्स की जरूरत ही ना पड़े, हमारे अपने ही लोग हैं जिनको हमें जितना कि पता है पहले कई सारे इंसिडेंट हुए हैं फरीदाबाद में, चाहे खोरी की बात कर लें, किसान आंदोलन की बात करें, निकिता की बात कर लें, कभी भी फरीदाबाद पुलिस पहले से तैयार नजर आती, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है? ये भी इसीलिए है कि पहले ही तैयार है हम, ये कहते हैं कि अगर आपको कहते हैं होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, तो होप फॉर द बेस्ट हम करते हैं, इसी होप में हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और आपने इतनी हमारी तारीफ की, बड़ा अच्छा लगा, तो उसमें हम प्रिपरेशन में होप भी आती है और ये प्रिपरेशन का पार्ट है। वैसे मैं ये एज अ सिटीज़न और ये चाहूँगी कि पुलिस में तो अपने ही लोगों की है, तो ऐसा फोर्स करने का मौका ही ना आए, और अगर ऐसा मौका आए तो हम प्रिपेयर्ड हैं। मैम कभी भी इस तरीके की अगर स्थिति पैदा होती है तो सबसे पहले लोकल जो पुलिस है, लोकल चौकी या थाना की जो पुलिस है वो पहले पहुंचती है, रैपिड एक्शन तो बाद में पहुंचती है, तो इस तरीके से मतलब लोकल पुलिस को कितना मतलब इसमें जागरूक किया गया है, लोकल पुलिस किस तरीके से काम कर सकती है इसमें? इसमें पूरी तरह से हमने एफर्ट लिया है, और SHO और ACP रैंक ऑफिसर्स, और जैसे कि मैं DCP NIT भी हूँ, तो जितना संभव हो सका DCP रैंक ऑफिसर्स हर एक्साइज में SHOs मैंडेटरली प्रेजेंट थे, उन्होंने ही गांव दिखाए, उन्होंने ही किया, तो ये पुलिस का फुल इन्वॉल्व थे, और एक जैसे 1-to-1 कोऑर्डिनेशन हम कहेंगे वो हुई है। रैपिड एक्शन फोर्स के मुकाबले लोकल जो पुलिस है वो कितनी कारगर है इसमें? आई डोंट थिंक कि ये मुकाबले वाला है,
इट इज़ ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन। इनका एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग है जो कि राइट्स के लिए, ये डेवलप हुई थी एज क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स, और लोकल पुलिस जो है उस एरिया को जानती है। तो इनके टैक्टिक्स, इनकी ट्रेनिंग, वो हम अपने में लेके आना चाहते हैं, और हमारी जो ज्योग्राफिकल नॉलेज है वो हम इन तक लेके जाते हैं, क्योंकि एक और एक दो नहीं होते, वो 11 होते हैं। मतलब संयुक्त ऑपरेशन जॉइंट एक्सरसाइज।